हेलो एवरी वन वेलकम टू क्लासेज विथ पूनम टुडे विल डू द पोएम फायर एंड आइस गिवन इन क्लास टेंथ इंग्लिश रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट एज यू ऑल नो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है एक अमेरिकन पॉइट हैं और उनकी जो मोस्टली पॉइट्स होती हैं वो रिलेटेड टू लाइफ ही होती हैं मीन्स लाइफ का हमें कोई लेसन देकर जाती हैं या फिर समटाइम हमें बताती हैं कि लाइफ का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा एंड द सेम थिंग इज इन दिस पोएम ऑल्सो और इसके साथ साथ ये जो पोएम है ये एक सिम्बोलिक पोएम है सिम्बोलिक का मीनिंग होता है जहाँ पर पोएट वर्ल्ड के लिटरेरी मीनिंग्स यानी कि उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स को ना यूज़ करके उन्हें सिम्बल की तरह यूज़ करें तो पॉइट ने फायर और आइस के एग्जैक्ट मीनिंग्स को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है उन्हें सिम्बल्स की तरह यूज़ किया है और कौन से सिम्बल्स की तरह यूज़ किया है विल सीन द पोएम सो लेट स्टार्ट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर Some say in इन From what I have tasted of desire, I hold with those who फेवर fire. अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड जो है फायर से होगा कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड आइस से होगा चाहे हम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आर्क्योलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एस्ट्रोनॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबका मानना है कि इस वर्ल्ड का एंड एक दिन जरूर हो जाएगा अब साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि आइस से होगा फायर और आइस से उन्होंने कैसे कहा है देखिए पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ओजोन लेयर में भी जो है क्या रहे है? हो रहे हैं हॉल हो रहे हैं जिसकी वजह से जो सन के स्क्रॉचिंग हीट है और उसके अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पर इतने बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे कि हर एक चीज़ जो है जल जाएगी सो so साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वर्ल्ड में फायर होगी और फायर की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा सेम इन द सेम मैनर उन्होंने कहा है कि शायद आइस की वजह से भी हो सकता है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है रेपिडली मेल्ट हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह वाटर ही वाटर होगा और पूरा का जो पूरा वर्ल्ड है वो वॉटर में सिंक हो जाएगा और इस तरीके से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा अब ये तो है साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हाँ फायर और आइस की वजह से जो है वर्ल्ड का एंड हो जाएगा अब राइटर ने यहाँ पर फायर और आइस को किन सिंबल्स की तरह यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रोस ने फायर को यूज़ किया है डिज़ायर की तरह किसके लिए डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छाएं और आइस को उन्होंने सिंबलाइज़ किया है हेट मतलब कि नफ़रत सो राइटर क्या कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का एंड या तो डिज़ायर से होगा या फिर हेट से होगा अब डिज़ायर या हेट से कैसे होगा देखिए ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें वहाँ से भी अगर चेक करें तो डिज़ायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा थी क्या डिज़ायर्स थी अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने की डिज़ायर अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती थी वहाँ के लोगों को मारती थी मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अट अपनी इच्छाएं मतलब उनकी बढ़ी हुई थी कि भाई हाँ हमने हमें अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेल्थ को गेन करना है दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करके और ऐसी इच्छाएं अभी भी बढ़ती जा रही हैं ह्यूमन बींग की डिज़ायर्स डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं तो राइटर कहते हैं कि ये डिज़ायर्स जो बढ़ रही हैं ना इनकी वजह से एक दिन वर्ल्ड का एंड हो ही जाएगा दूसरी तरफ उन्होंने हेट के लिए कहा है कि भाई हाँ हेट की वजह से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है क्योंकि देखिए एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से आजकल हम कितना देख रहे हैं कि जो हेट और जेलेसी है वो बढ़ती जा रही है और हेट और जेलेसी में लोग एक दूसरे को मार देते हैं बिल्कुल भी नहीं सोचते एक दूसरे को किल कर देते हैं सो इस हेट और जेलेसी की वजह से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है बट राइटर किस फेवर में है राइटर कहते हैं कि अगर इस तरीके से एंड होना है या फायर से या आइस से मीन्स डिज़ायर या हेट से अगर एंड होना है तो मैं जो है फायर के फेवर में हूँ मतलब मैं डिज़ायर इच्छाओं के फेवर में फेवर में हूँ कि जितनी ह्यूमन बींग की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी इस वर्ल्ड के ख़त्म होने का टाइम भी जो है उतना नज़दीक आता जाएगा ओके बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस पेरिश का मतलब होता है डाई एंड हो जाना बट राइटर क्या कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड दो बार होना है ट्वाइस होना है तो आई थिंक आई नो इनफ हेट तो मैं जानता हूँ कि मुझे लगता है और मैं जानता हूँ कि हेट भी इनफ है यानी कि आइस भी इनफ है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड्स फाइस मैं यही कह रहा हूँ कि भाई डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक ग्रेट कोज हो सकता है यानी कि हेट भी एक ग्रेट कोज हो सकता है एंड वुड सफ़ाई सफ़ाई मीन सफ़ीसेंट और ये सफ़ीसेंट है लोगों के अंदर मतलब लोग एक दूसरे से हेट करते हैं और ये हेट अगर ऐसे ही बढ़ती रही ये जेलेसी ऐसे ही बढ़ती रही तो ये हेट इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी कि ये भी जो है इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्ट करने के लिए इनफ होगी सफिसियंट होगी ओके सो इस तरीके से पॉइंट हमें समझा रहे हैं कि इस वर्ल्ड का एंड तो होना ही होना है या तो वो फायर से यानी कि डिज़ायर की, की वजह से होगा या फिर आइस से यानी कि हेट की वजह से होगा अगर हम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फायर और आइस उनके लिटरेरी मीनिंग को यूज़ करें तो वो भी सही है डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है फायर की वजह से भी हो सकता है और आइस की वजह से हो भी हो सकता है सो so, यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पोएम प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू बाय कीप लर्निंग